हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू दी चैनल। आई होप सब अच्छे होंगे। मैं दिव्या और दिव्या की दुनिया आपका स्वागत है। तो और बताइए क्या चल रहा है। मेरी तो सफाई चल रही है जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो सुबह का टाइम है अभी और मैं सुबह उठ के थोड़ा बहुत कर लेती हूँ, थोड़े थोड़े कर लेती हूँ। ज़्यादा बड़ा घर तो नहीं है, छोटा ही है और कम ही सामान है, तो मैं थोड़ा थोड़ा कर लेती हूँ डेली, तो हो जाता है क्लीन। और यहाँ पर मैं टीवी साफ़ कर रही थी और बस यहाँ मतलब एक एक कर लेती हूँ मैं, ऐसे आज टीवी कल पंखा ऐसे कुछ कुछ करके कर लेती हूँ। और मुझे उसको ऊपर वॉच दिख गई तो मैंने कहा ये भी कर लेती हूँ। डेली तो नहीं करती हूँ, एक दो दिन छोड़ के कर लेती हूँ। तो बस सुबह सबका यही रूटीन रहता है कि साफ़ सफाई करना, फिर नहाना धोना यही रहता है, यही मेरा है। तो मेरे यहाँ पे हो गई है और मैंने यहाँ पे पोछा लगा लिया है, मतलब पोछा नहीं, मैंने वाइपर से धो देती हूँ। मैं जब सुबह के टाइम ना डीप क्लीनिंग करती हूँ तब ऐसे ही वाइपर से धो देती हूँ। तो और यहाँ पे फिर मेरी सफाई हो गई थी, औने तो ये उठ गए थे सब लोग, तो फिर यहाँ पे औने की एक्सरसाइज चल रही है। ये लोग करते हैं डेली, थोड़ा बहुत कर लेते हैं एक्सरसाइज, तो यहाँ पे औनित कर रहा है, मतलब वो एक्सरसाइज तो नहीं करता, इधर उधर टाइम पास ही करता है, मन करता है थोड़ा बहुत करता है, परेशान करता है, बातों में लगा लेता है। तो ये देखो उसकी बातें चल रही हैं। यहाँ पे अनवी लेटी हुई थी ना, तो उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो अनवी पड़ी हुई है, उसको देख रहे हैं, साथ में एक्सरसाइज कर रहे हैं लोग, और मैं अंदर कुछ काम कर रही हूँ। तो यहाँ पे इन लोग ये लोग करते हैं एक्सरसाइज और मैं अपना काम कर लेती हूँ। आप लोग देखिए, ये देखिए औरत को ऐसे हमेशा रोज का यही रहता है उसका, कुछ ना कुछ करेगा ना ही कुछ करने देगा, प्रॉपर तरीके से नहीं करता। और करना उसको डेली है, जिस दिन नहीं जगाएंगे उसको, नहीं उठाएंगे, फिर उस दिन बोलेगा मुझे नहीं उठाया आपने, मुझे नहीं जगाया आपने, ऐसे बोलता है औरत। और मतलब यहाँ पे बातें भी चलती रहती हैं उसकी, प्रॉपर तरीके से कुछ नहीं करता वो, मतलब बहुत चंचल मन है उसका, बहुत ज़्यादा इधर उधर घूमता रहता है उसका मन। और यहीं पे मैं भी बैठी हुई हूँ, शायद मैं आ गई थी तो मैं अनवी को देख रही थी और ये एक्सरसाइज चल रही है। औनित भी हम लोगों को देख देख के हंस रहा है। मैं भी कभी कभार करती हूँ, मतलब डेली नहीं करती, मेरा रूटीन सेट नहीं हो पाता। इन लोगों का तो हो जाता है, मेरा नहीं हो पाता। मैं कभी ऐसा मतलब मैं उठती हूँ, अनवी साथ में ही उठ जाती है तो मुझे उतना टाइम ही नहीं मिल पाता। और जैसे सबको ही पता है कि सुबह सुबह लेडीज़ों को कितने काम रहते हैं, घर की जो गृहणियाँ रहती हैं उनको कितने काम रहते हैं। तो बस सुबह का तो मेरा यही रहता है, उठ के जल्दी जल्दी भागा दौड़ी करके साफ़ सफाई करना, फिर नहाना धोना, मैं फिर मतलब नाश्ता बनाना, खाना वाना बनाना, यही रहता है मेरे सुबह का काम। तो मैं नहीं कर पाती एक्सरसाइज, कभी कभार जब अनवी नहीं उठती, छुट्टी रहती, कभी कभार कर लेती हूँ, लेकिन ये तो ऐसा रहता है डेली रूटीन होना चाहिए तभी सही रहता है। मेरा रूटीन नहीं बन पाता एक्सरसाइज करने का और मुझे थोड़ा आलस भी आता है कि यहाँ पे ये तो मुझसे बोलते हैं कि खड़ा करो, एक्सरसाइज करना ज़रूरी रहता है, अच्छा रहता है, मतलब शरीर फिट रहता है, अपनी मतलब बॉडी भी एक्टिव रहती है, अपन एक्टिव हो जाते हैं, लेकिन मैं मतलब टाइम ही नहीं मिल पाता और डेली रूटीन नहीं बन पाता। तो फिर मैं सोचती हूँ क्या यार, एक दिन करो फिर मत करो, क्या इससे क्या होगा, करो तो फिर अच्छे से करो, नहीं तो मत ही करो। अनवी नहीं थी तब तक तो मैं करती थी, मतलब औने थोड़ा बड़ा हो गया था तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, अब अनवी हो गई है तब से नहीं कर पाती हूँ मैं। अब देखती हूँ, अभी अनवी थोड़ी एक दो साल की हो जाएगी फिर से रूटीन में आ जाएंगे तो फिर देखती हूँ अगर हो पाएगा ऐसा तो। और यहाँ पे मैं अनवी को लिटा दी हूँ, मैंने वो सोचा कि अब मैं काम कर लेती हूँ क्योंकि बहुत टाइम हो गया था, मैं तो इनसे बोला कि आप लोग देखते रहना और यहीं पे मैं काम करूँगी, तो इसलिए अनवी को यहाँ पे लिटा दिया था मैंने।
तो ये लेटी हुई है अनवी और साथ में ये लोग देखते जा रहे हैं, और वो भी देख देख के खुश होती है, यहाँ पे देखती रहती है कि मतलब क्या कर रहा है, क्या हो रहा है, ये बड़े बहुत खुश होती है वो। मैं अपने काम में लग गई हूँ, मैंने सोचा जब तक वो खेल रही है तब तक मैं मतलब और अंदर वाला रूम की साफ़ सफ़ाई कर लूँगी, फिर इसके बाद नहाऊँगी। यही रहता है सुबह सुबह तो साफ़ सफ़ाई करना, चाय पानी बनाना, फिर इसके बाद नहा धो के नाश्ता बनाऊँगी, यही सोच रही थी मैं। तो यहाँ पे ये देखो अनवी पैर मारती है उसके भाई को, तो यहाँ पे वो उसको पैर मार, वो उसके पास में जो गाज आता है ना उसको पैर मारने लगती है। तो ये मतलब अनवी खेल रही है यहाँ पे, और बस अब मैं यहाँ पे नहा धोकर आ गई हूँ, और मैंने चाय तो पहले ही बना ली थी, अब नाश्ता बना रही हूँ। और नाश्ते में कुछ नहीं, मतलब ब्रेड पकोड़े बना रही हूँ, और आलू तो मैंने मतलब रात में बनाई हुई थी ना सब्ज़ी, आलू की ऐसी सूखी सब्ज़ी बनाई हुई थी बॉयल करके, तो वो बच गई थी, तो मैंने कहा यही बना देती हूँ फटाफट नाश्ते में। तो ऐसे मतलब ऐसे ही करती हूँ मैं कि मतलब कुछ बच जाता है तो फिर सोचती हूँ नाश्ते में वही बना लेती हूँ, क्योंकि नाश्ता बनाना फिर खाना बनाना बहुत टाइम हो जाता है। ये ऑफिस भी जाते हैं सुबह सुबह तो बहुत काम बढ़ जाता है, बच्चों को संतुलन नहीं कर पाते हैं। तो मैंने यहाँ पे और भी मतलब जो और भी उसमें से बच गए थे आलू, मैं उनको रख देती हूँ, मैं इनका सब गर्म करके उसको मतलब खा लेंगे, सब्जी यूज़ कर लेंगे। और यहाँ पे बेसन रखा हुआ था, बेसन मतलब मैं घोल रही हूँ शायद, हाँ साइड में बेसन ही घोल रही हूँ, और थोड़ा और लगेगा तो मैं थोड़ा और बेसन डाल देती हूँ यहाँ पे। तो आलू वड़ा की रेसिपी मैंने प्रॉपर तरीके से शेयर नहीं की हुई है, क्योंकि मतलब मैंने जो ब्रेड वड़ा की प्रॉपर तरीके से की हुई थी बस वैसे ही, आप लोग अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं, मैंने ब्रेड वड़ा की प्रॉपर तरीके से रेसिपी शेयर की हुई है, और आपको पसंद आता है तो देखिए, वहाँ पे दूसरी वीडियो में डाला है मैंने, इसलिए नहीं की। और अगर आप लोग बोलेंगे कि आलू बड़ा की प्रॉपर रेसिपी शेयर करूँ, कमेंट करके बताना, तो मैं वो भी डाल दूँगी वीडियो। तो यहाँ पे यही आलू बड़ा बना रही हूँ मैं, हमारे आलू बड़ा बोलते हैं, कहीं कहीं आलू बंडा भी बोलते हैं, तो बस बना लेती हूँ एक एक करके, कम ही बनाए हैं, जितने हम लोग खाएंगे उतना ही बनाया है। तो यहाँ पे बना लेती हूँ मैं, और फिर मिलते हैं। देखिए मैं बना रही थी, वहाँ से अनवी की रोने की आवाज़ आ रही थी, मुझे लगा कि अनवी गिर भी नहीं जाए, तो मैं वो बेसन का घोल था ना वो वाला डिब्बा लेके चली गई हूँ, मुझे लगा कि अनवी वो नहीं हो जाए, क्योंकि बाहर शायद ये नहीं थे तो मैं देखने गई थी, यौनित के भरोसे भी उसके नहीं छोड़ सकते, क्योंकि वो मतलब उतना बड़ा भी नहीं है, देख बस थोड़ा बहुत देख लेता है कि खेल रही है ये वो करके, फिर वो बता देता है रोने लगती है, तो पूरे तरीके से नहीं छोड़ते उसके भरोसे। और ये देखिए मेरे बन गए हैं आलू बड़े, ये दिख रही है आपको पूंछ, ये मेरे अधिकतर ऐसे निकलते हैं, पता नहीं क्यों, मतलब बहुत ट्राई करते हैं एकदम गोल गोल बने, नहीं बन पाते, वैसे ही बनते हैं। तो बन गए हैं हमारे आलू बड़ा, आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। ये मैंने सारे निकाल दिए हैं, और यहाँ पे प्लेट भी लगा दी है, ये रेडी हो गए थे, नाश्ता बन गया, तो ये भी बोलने लगी कि तुम भी आ जाओ, तुम भी खा लो। और ओनिद नीचे बैठा हुआ बोल रहा था मैं तो अनवी के पास ही बैठ के खाऊंगा, तो ओनिद यहाँ साइड में बैठा हुआ है नीचे, तो हम लोग खा
खा लेते हैं, आप लोग भी खा लीजिए। मैंने अनित को प्लेट दे दी थी नीचे, तो वही अनवी को देख रहा है, खिला रहा है और खा रहा है। यहाँ पे हम लोग नाश्ता कर लेते हैं, साथ में बातें भी चल रही थी। ये ऑफिस जाने के लिए रेडी हो गए थे तो बोल रहे थे कि तुम खा लो, हम लोगों ने खा ली और थोड़े और रखे हुए थे तो मैं और लेके आ गई हूँ। तो यहीं तक की थी मेरी वीडियो। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए।